हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्वस्ति ब्लॉग में। जी हाँ, आज है फ्राइडे। फ्राइडे मतलब नई मूवी का रिलीज़ का डेट, और मैं कम से कम शायद 1.5 साल के बाद मूवी देखने जा रही हूँ फैमिली के साथ। और लास्ट मैंने PS1 देखा था, आज हम जा रहे हैं योद्धा मूवी देखने, जो आज ही के दिन रिलीज़ हुआ है। देखते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी कैसी है, पर मुझे तो देशभक्ति मूवी बहुत अच्छी लगती है। हम जहाँ यहाँ पर एंटर कर रहे थे, हमें पता नहीं था कि जयदेव ने सीट कौन सा लिया है, शायद वो सरप्राइज़ था। जैसे हम एंटर किए तो अंदर का व्यू तो अच्छा लग रहा था, वो कुछ बता नहीं देते थे कि स्क्रीनिंग कौन सा है, मैं भी पूछ रही थी। और फिर मैं सोच कि चलो मैं थोड़ा बाहर भी देख लूँ क्या है नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बता नहीं देते। फिर जैसे जैसे हम एंटर कर रहे थे, मूवी तभी स्टार्ट नहीं हुई थी, ऐड हो रहे थे, फिर मैंने देखा कि वाह, ये तो इंसिग्निया है। जी हाँ, डिंग्लिश वाली मूवी थी और लोग आ रहे थे। और मूवी स्टार्ट होने पे ही जो मज़ा आता है, उसके पहले का हमने सोचा कि पहले वीडियो और फोटोज़ ले लूँ, तो मैं इस तरह का बैठ गई और अपने चेयर को स्ट्रेट कर ली और मूवी देखना स्टार्ट की। यहाँ पे अभी एड ही स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाएगी। मूवी में अगर आप बात करें कैसी है, तो ऑल ओवर अगर मुझे देशभक्ति मूवी देखने का मौका मिलता है या देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने देश को देख रही हूँ। इसलिए मैं इसमें कोई कमेंट कोई रेटिंग नहीं दूंगी, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और आर्मी की लाइफ कैसी होती है, हर एक स्टोरी में कुछ अलग अलग कंटेंट अलग अलग स्टोरी दिखाया जाता है कि कौन कितने ग्रेसफुल रहते हैं, कौन अपने इंडिया के लिए इतना त्याग करते हैं, तो उसमें कोई कमेंट नहीं है। ये इंटरवल टाइम था, पॉपकॉर्न टाइम, बच्चे पॉपकॉर्न का मज़ा ले रहे थे। मैं थोड़ा फिर से अपना वीडियो बोली गौरव को, थोड़ा मेरा ये वाला वीडियो कर दे, बड़ा मज़ा आ रहा था खेलने में इससे। उसके बाद अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें, तो मैं सही बताऊं कि इतना डैशिंग हीरो अगर मेरे सामने आएगा मुझे मारने के लिए, तो मैं तो बोलूँगी यार तेरे को देख के ही मर जाऊँ, है ना। और ऑल ओवर मूवी मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। बजट जाते पैसे की तो नहीं है ये मूवी, 55 करोड़ का ऐसे दिखाया जा रहा था। और लास्ट में ये तिरंगा देख के तो मन खुश हो गया, क्योंकि जो फील आता है ना देखने में इंडियन मूवी का, जो इंडियन के प्रति हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपने फैमिली को लेके गई थी, ताकि बच्चे भी देश प्रेमी हों, बच्चे को इस तरह का मूवी मैं दिखाना पसंद करती हूँ। आप भी दिखाइए अपने बच्चों को इस तरह का मूवी, ताकि उन्हें अपने हिंदुस्तान से लगाव हो, क्योंकि हिंदुस्तानी को तो हक है हिंदुस्तान में प्यार करना, देखना, देशभक्ति जागरूक करना। एंड में मूवी में सब कुछ अच्छा रहता है, हीरो लौट के आता है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत सारी मूवी में लास्ट में मर जाते हैं, इसमें वो मरते नहीं है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑल ओवर सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, फन है, जाइए आप इंजॉय करके आइए। और हम यहाँ से घर चलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।